जमीनी विवाद में एक महिला अधिवक्ता और उनके पति के साथ की गई मारपीट। वही मारपीट के दौरान महिला अधिवक्ता सुमित्रा तिवारी और उनके पति हुए घायल। महिला अधिवक्ता के चचेरे भाई और उनके परिवार वालों ने उन लोगों के साथ की मारपीट। डाल्टनगंज शहर के रेड़मा मोहल्ले के रहने वाले हैं। महिला अधिवक्ता सुमित्रा तिवारी और उनके पति के साथ चैनपुर के पूर्व डीहा गांव में जमीनी विवाद में रास्ते को लेकर मारपीट की गई है। मारपीट के दौरान महिला अधिवक्ता सुमित्रा तिवारी घायल हो गई। उसके बाद इलाज के लिए MMCH अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामदेव यादव समेत सभी अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन से मामले जांच की मांग की है और आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। मामले की जांच में चैनपुर थाना पुलिस जुट गई है। वहीं चैनपुर थाना प्रभारी उदय गुप्ता ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द जेल भेजी जाएगी। पूरा डीहा में वकील मैडम का कुछ जमीन विवाद चल रहा था गोदिया में, उसी में आज थाना से एक अफसर जांच अफसर गया था और ये लोग भी गए हुए थे। जांच अफसर के निकलने के बाद पता चला है कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। हम लोग आवेदन लेकर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं, जो दोषी होंगे जेल भेजेंगे। हमारे अधिवक्ता सुष्मिता तिवारी और उनके पति मोटरसाइकिल से गांव पर चले गए। जाने के बाद तमाम जो वहां पर उपस्थित लोग थे जिनके साथ उनका विवाद चल रहा था, कतलाना हमला कर दिया और रंगदारी करते हुए कहा कि तुम बड़गी अधिवक्ता बनी है, तुमको जान से मार देंगे। और सारे लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिसके फलस्वरूप कई जगह हमारे अधिवक्ता सुष्मिता तिवारी के चोट लगी है और गंभीर रूप से जख्मी हैं। मैं पुलिस अधीक्षक जी से मैं मांग करना चाहता हूं, जब पलामू जिला में जब अधिवक्ता महिला जैसे अधिवक्ता जब सुरक्षित नहीं है, आम जनता की बात करना बेमानी होगी। पलामू जिला अधिवक्ता संघ बुल्ला निर्णय लिया है कि अगर अविलंब इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे अधिवक्ता परिवार पलामू को जाम करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है जो SI मृत्युंजय तिवारी ने फोन से बुलाने का काम किया, हमला होने के बाद उन्होंने भागने का काम किया है। एक साजिश के तहत यह हमला निंदनीय है। पलामू जिला अधिवक्ता संघ किसी में बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि एक महिला अधिवक्ता के साथ इस तरह की घटना करना मैं समझता हूं पलामू के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। जबकि पलामू पुलिस अधीक्षक जानते हैं आए दिन झारखंड में अधिवक्ताओं के साथ हमला हो रहे हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर सचेत नहीं है। मैं पुलिस अधीक्षक से मांग करना चाहता हूँ अविलंब वैसे अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी किया जाए, नहीं तो पलामू जिला अधिवक्ता संघ हाथ पर हाथ नहीं बैठेगी। इसके लिए कुछ भी करना होगा, हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। मैं रामदेव प्रसाद यादव, पलामू जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष। मैं भी आर्मी में सर्विस करता हूँ। मैं अपनी मतलब मेरे को SI मृत्युंजय तिवारी बुलाया था कि आइए स्पॉट पे पुरबड़िया खीरी बार में, वहाँ पे कुछ विवाद चल रहा था उसके लिए। तो हम वहाँ पे गए, मैं और मेरी पत्नी 1 बजे के लगभग वहाँ पे पहुँचे। तो उसके बाद जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, हमको वहाँ पे छोड़ दिया गया और उनके घर से कम 20 लोग जिनके पास डांटा, खंती, गैता, तलवार ये सब पूरा लेकर बुरी तरह से हमला किए और बहुत मारा। उसके बाद हम लोग हमारी गाड़ी छीन लिया, मोबाइल को मेरे सामने पकड़ थेकुच के मेरा दोनों मोबाइल तोड़ दिया गया, मेरी पत्नी का पैसा, चैन, सब कुछ लूट लिया गया। उसके बाद मेरा यहाँ पे गोड़ पे पत्थर से मारा गया, पत्थर से जिसका पैर तोड़ दिया जाए। उसके बाद हम जब वहाँ पर अपने गाड़ी छोड़ के पीछे से भागे, जिसमें हमने एक मतलब बगल के रिश्तेदार से गाड़ी लिया, गाड़ी लेके हम जैसे वहाँ से भागे वहाँ से पीछे के रास्ते से पुरुडिया से निकले, तो चिड़ावार में सीधा सीधा मोटरसाइकिल पे सीधा सीधा टक्कर मारा गया और पीछे से कार से चढ़ाने की कोशिश किया गया। लेकिन वहाँ पे जो उनका लड़का था उसको मेरे हाथ मतलब हम उसको पकड़ लिए, तो फिर क्या हुआ कि हम अपना उसको जब हम पकड़ लिए तब वो थोड़ा काबू में आया और फिर हम अपना फिर से वापस मोटरसाइकिल उठाए और फिर यहाँ से गली गली भागे, वहाँ से निकले, फिर वहाँ से फिर गली, फिर ऐसे ऐसे भाग के सदर थाना में पहुँचे। सर वहाँ पे रास्ता का जो हमारा घर है उसके घर के सामने रास्ता बंद कर रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं, तो उसके लिए एक पार्टीशन पड़ा हुआ था, तो उसके लिए हमको बुलाया गया था कि आइए यहाँ पे आपसी बात विचार से मतलब इसको सल्टा दिया जाएगा। तो हम वहाँ पे गए थे। ये इनके मतलब चाचा उनकी पत्नी और उनके मतलब इनकी भाई जो चचेरे हुए यही थे सर, और उनकी एक बहन भी थी जो मतलब उनकी एक बहन चाचा की लड़की SI की नहीं जिन्होंने हमला किया, जो दीप नारायण दुबे हैं उनकी पत्नी, फिर बबन दुबे उनकी पत्नी,
कोर्ट में भी है अधीन सर। ये मामला तकरीबन कोर्ट में ये अभी तकरीबन 2-3 महीने से ही अधीन में है सर। ये रास्ता वाला मामला दो महीने से अधीन में है। इसके लिए नोटिस भी गया हुआ था, उसके बाद ही उन्होंने काम लगाना स्टार्ट किया था। जब नोटिस जाने के बाद उन्होंने अपना काम लगाना स्टार्ट किया तो हम गए थे एक बार चैनपुर थाना में, तो हमने बोला कि सर ऐसे ऐसे हो रहा था, फिर वहाँ पर काम को भी रोक दिया गया था। मेरा नाम संजीत कुमार है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।